मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। एमडीटी कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे लेप्रसी से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि अगर मेरा इलाज समय पे होता तो मैं अपने हाथ की विकलांगता से बच सकती। हाँ, मैं कह रही थी कि कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करो। तुम क्या कर रही हो? ना चीजों की कीमत देख रही हो, ना एक्सपायरी डेट, बस भरे चले जा रही हो। अरे भैया, इतना बड़ा स्टोर है, सब ठीक ही होगा। ये देखो, यह आमला जूस है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अरे हाँ, अब मैनेजर को बुलाते हैं। भैया जी, ये तो आमला जूस है सर। हाँ, ये आमला जूस है। ये कहाँ खराब होता है सर? इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है सर। इसकी काय की एक्सपायरी? आप तो उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, इसीलिए सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। मैम, आप क्यों परेशान होती हैं? आपकी ड्रेस बदल जाएगी। मैडम की ड्रेस बदल दो, लीजिए चाहिए बदलवा लीजिए जी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता के अधिकार हुए और सशक्त। जागो ग्राहक जागो। सुनो, हरियाणा में इलेक्शन है। हरियाणा में इलेक्शन है, इसका मतलब उस दिन छुट्टी। अगर हम जैसे पढ़े लिखे शहर में रहने वाले लोग इस तरह की बात करेंगे तो हरियाणा का क्या होगा? वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं है, जिम्मेदारी भी है। जिसको मैं बोलूं उसे अपना वोट दे, तन्ने माला माल कर दूंगा। मेरा वोट उस प्रत्याशी को जाएगा जो हरियाणा के विकास और उज्जवल भविष्य की बात करेगा, समझा? वोट कैसे दे पाओगे? मैं जानू सू कि मैं बहुत सारे काम ना कर सकूं, पर अपने हरियाणा की प्रगति में मैं अपना योगदान देना चाहूँ। अपना वोट डालकर सही प्रत्याशी चुनने। तेरा तो पता नहीं, मैं तो 18 साल का हो गया, मेरा तो वोटर आईडी भी बन गया। मैं तो कल वोट देने जाऊंगा। वोटर आईडी कार्ड तो हमारा भी है। तो फिर वोट देके दिखा देना कि युवा वर्ग हरियाणा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। ये बात है। 21 अक्टूबर 2019 है हरियाणा में इलेक्शन। वोट देकर मनाएं प्रजातंत्र का जश्न। वोट पड़ेगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा। सुखमणि रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारी भैंस को माल्टा बुखार है और तुम बच्चे को उसका कच्चा दूध पिला रहे हो, बीमार करोगे इसे। ठंड लगना, बुखार आना, कीट काटने वाली जगह पर काले निशान, त्वचा का लाल होना, बदन दर्द एवं मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, इसके लक्षण हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? जो जंगल में जा रही हैं या काम कर रही हैं, उन्हें पूरे कपड़ों के साथ शरीर को ढकना चाहिए। खुले भागों में टिक विक रक्षक को लगाएं। लौटने के बाद कपड़े और शरीर को गर्म पानी और साबुन से धोएं। लक्षण दिखें तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कल तक इन्होंने आपका ध्यान रखा, आज आपकी बारी है। दादाजी, दादाजी कहानी सुनाइए ना। अच्छा अच्छा, सुनाता हूँ बेटा। नहीं दादाजी, पार्क में चलते। अरे बेटा, अरे चलो बेटा। वक्त के साथ उम्र नहीं, प्यार बढ़ता है। आपकी सिखाई हर बात में कोई तो बात होती है। जब आप सबका ध्यान रखते हैं तो अपना क्यों नहीं, अपने खान पान का ध्यान रखें। पिताजी, अब तबीयत कैसी है आपकी? घबरा मत, बहू है ना मेरा ख्याल रखने की। मैं भी तो हूँ। आपके प्यार का एहसास, उनकी सेहत का है राज। शॉपिंग? जी नहीं, ऑनलाइन टैक्स रिफंड की चेकिंग। अभी कुछ दिन पहले ही तो इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल की थी। अब जितनी आसानी से ई फाइलिंग हो जाती है, तुम चाहती हो उतनी जल्दी रिफंड भी आ जाए। आ जाए नहीं, रिफंड आ गया इन माय बैंक अकाउंट। रियली? दैट्स वेरी फास्ट। और अब सोच रही हूँ इन पैसों से शॉपिंग कर लूँ। क्या? With the setting up of the centralized processing center CPC, today our income taxpayers are experiencing world-class facilities in e-filing, quick refund and addressal of grievances. Centralized Processing Center is Income Tax Department's backbone for processing, verifying income tax returns
and ensuring speedy clearance of demands and refund. Today, with the world-class services provided by CPC, there is no need to stand in a queue, prepare returns, and calculate taxes manually or visit the income tax office. Previously, a taxpayer used to encounter many questions while filing income tax return. But with the establishment of the Central Processing Center, CPC, these are things of the past. Jab bharte hain aap apna aayakar, to desh ko laate hain pragati ke path par. Garv hai hame, aapke is yogdaan par, tabhi to rehte hain, hum aapke seva mein tatpar. CPC, inspiring confidence, delivering convenience. अरे यार, इतने टेंशन में क्यों हो? ये सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के पुराने सेटलमेंट को लेकर बहुत परेशान। सरकार ने सबका विश्वास नाम से लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 लॉन्च की है। Really? हाँ, इसमें केस टू केस बेसिस सिर्फ 30-60% तक ही टैक्स पे करना है और तो और पेनल्टी इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन से भी पूरी राहत दी जा रही है। Wow. और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और बिल्कुल सिंपल। That's great. भाई तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। मैंने नहीं, भारत सरकार की सबका विश्वास हमारा सबसे प्यारा। श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय को ऐसा बना दिया है जो सबके लिए एक उदाहरण जैसा है। इन्होंने सीखने और सिखाने के लिए सामग्री के रूप में आसपास की चट्टानों और पत्थरों का उपयोग किया, जिससे स्कूल में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एक सुखद अनुभव बनकर सामने आई, साथ साथ परिणामों पर स्पष्ट असर भी देखने को मिला। ड्रॉप आउट शिकार अभिवंचित वर्ग की लगभग 1000 बालिकाओं एवं 100 मूक बधिर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर श्री अखिलेश्वर पाठक जी ने एक नई मिसाल कायम की है। श्री प्रकाश चंद्र नरभेरम सुथार, जो बच्चों के अनुकूल और आसानी से समझ आने वाली शिक्षा प्रणाली का प्रयोग कर एक प्रभावी विद्यालय का प्रबंधन करते हैं। कारपेंटर के काम का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखने और सिखाने के लिए कम लागत पर कई दिलचस्प किट्स व मॉडल्स तैयार किए। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। जगमग जगमग गाँव, ठंडी ठंडी पवन। जगमग जगमग गाँव, ठंडी ठंडी पवन। हरी, उसने तो ठंडी ठंडी पवन पढ़ाने लग रही है, पर तन्ने खुद पंखा क्यों चलाया? अरे बिजली बिल ज्यादा ना आवे इस मारे। जरूरत के हिसाब से भी तो बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों बापू? हाँ, जो दर पहले 4.5 रुपए प्रति यूनिट थी, इब 2.5 रुपए प्रति यूनिट है। सरकारें तो कितनी आई गई भी घणी, पर लोगा की बात इतने बनी। मनोहर सरकार, विकास बात। बाला शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार की देश में एक पहल है, जो शिक्षा प्रणाली का नया स्वरूप है। बच्चों की उस दुनिया में प्रवेश करने का एक अनोखा प्रयास है। हरियाणा के अनेक स्कूलों में बाला का सफल प्रयोग किया गया है। बाला मूलतः स्कूल की दीवारों और स्कूल के प्रांगणों को शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाने का है, जिससे बच्चा उन विषयों को एकदम अलग तरह से समझता है और वह उन विषयों को हमेशा याद रखता है। बाला शिक्षा के पाठ्यक्रम को रोचक और रोमांचक बनाने का एक सफल प्रयास है। बाला के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा को एक सकारात्मक दिशा दे पा रहे हैं। उनके सपनों की दुनिया को एक वास्तविक रूप प्रदान करता है बाला। हरियाणा के बच्चों की क्षमता समाज में विस्तार हो रहा है बाला के माध्यम से। शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार हमेशा से मानती है कि हर बच्चे में कुछ खास हुनर होता है। बाला से बच्चों को अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है, खास तौर पर छोटे बच्चों को, जैसे कि उनके ही क्लासरूम में क्लासरूम मैप्स, कैलेंडर वॉल्स,
डोर एंगल प्रोटेक्टर, पेरिस्कोप वॉल्स, पोस्ट ऑफिस और अन्य रोजमर्रा की चीजों से अवगत कराया जाता है। बच्चों को बाला से हरियाणा में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणालियों से अवगत होने का मौका मिल रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की नींव और भी मजबूत हो रही है। वो जो अपनी हिम्मत से एक नया भारत बना रही है, वो जो एक मशाल एक मिसाल बन रही है, ऐसी सभी महिलाओं के इरादों को ये देश सलाम करता है। नारी शक्ति पुरस्कार 2017 देश का उच्चतम नागरिक महिला पुरस्कार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऐसे 30 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अरे क्या करेगी इसे पढ़ाकर? इसे झाड़ू पोछा सिखा, कम से कम तेरा भी हाथ बटाएगी। ये किस जमाने की बात करी हो माँ जी? आजकल हर लड़की को पढ़ने का हक है। कपड़ों के लिए तो निखार डिटर्जेंट है ही, आप अपनी सोच में तो निखार लाइए। ये लो निखार डिटर्जेंट, तुम कपड़ों में निखार लाओ। आंटी जी आ गया निखार। समथिंग फॉर रियल लाइफ, इंपैक्ट रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट, इट गिव्स यू अ रीजन टू सेलिब्रेट एवरी डे। Pergo, floors for real life. गांव की महकती माटी में, रात के दिए की बाती में, एक सपना बुन रहा है। विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे भारत को और प्रगतिशील बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है हरियाणा। विश्व में भारत का परचम लहराने वाले हरियाणा राज्य ने अब गांव-गांव ढाणी-ढाणी में शिक्षा की अनोखी नींव बुनी है। उच्च शिक्षा का सपना अब हरियाणा के हर मेधावी छात्र के लिए संभव है, राज्य के शिक्षा मंत्रालय के सुपर 100 योजना के जरिए। पहलवानी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा का सुनहरा इतिहास है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में शुरुआती तौर पर सुपर 100 प्रोग्राम 2 जिलों में चलाया जा रहा है। सुपर 100 प्रोग्राम के तहत मेडिकल और नॉन मेडिकल के छात्रों का चुनाव किया जाता है, जो IIT JEE तथा NEET की तैयारी करना चाहते हैं। चयनित छात्रों को कोचिंग के साथ साथ रहने और खाने पीने की भी सुविधा दी जा रही है। हरियाणा सरकार का सुपर 100 प्रोग्राम हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बदलने का सुनहरा प्रयास है।